हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के इस नए यूनिट की शुरुआत। हाँ जी, बेसिकली हम लास्ट क्लास में पेपर वन के आईसीटी को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हायर एजुकेशन के यूनिट। नहीं, हाँ जी, तो अब हायर एजुकेशन को पढ़ना कैसे है सर, उसके लिए क्या आपने बनाया है, कैसा बुक है, आइए उसकी चर्चा हम क्लास में करते हैं। चलिएगा जी, चलते हैं कहाँ, क्लास में। अब देखिएगा, बेसिकली आपको दिख रहा होगा क्या सर, ये तो बेसिक चीज है कि भाई आपको क्या करना है, टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे वहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो नेट वाला भैया है, और अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता है, मतलब यानी कि पेपर वन और पेपर टू की होल क्लासेस आपके यूट्यूब पे फ्री में हो रही है। और भी डिटेल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब आइएगा, देखिए जी, हायर एजुकेशन सिस्टम का जो सिलेबस है वो आपका किस तरीके से है वो बताया गया है। तो सबसे पहले यूनिट 10 में आपको ये बताया गया, पेपर वन का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 10 में इतने सिलेबस दिया गया है, क्या क्या है उसकी चर्चा करें, आइए सर करते हैं। सबसे पहला जो है, हमने देखिएगा, ये बुक है, ये बुक मेरे द्वारा बनाया गया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग जगह से कंटेंट लेकर मैंने इसको एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत सही तरीके से इसको डिजाइन किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला जो है वो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनिशियंट इंडिया, इसकी चर्चा करी गई है। तो हम शुरुआत करेंगे एजुकेशन इन एनिशियंट इंडिया से कि भाई साहब सबसे पहले कौन कौन से पीरियड थे, वैदिक पीरियड है ना, फिर उसका बुद्धिस्ट पीरियड आया था, फिर जैनिज्म आया था, तो वो वैसे करेंगे। और फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग से तक्षशिला, विक्रमशिला, इसकी जानकारी और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जितनी जानकारी, जितना मैक्सिमम हो सकता है ना, मैं इसमें डाल दूंगा। आप यकीन मानिए, इससे मतलब कुछ ही चीज हो सकते हैं, मे बी वो भी गलती से, ठीक है। मेरे जानकारी से जितनी मैक्सिमम आपकी लर्निंग हो सकती है, होनी चाहिए हायर एजुकेशन की, वो मैं यहाँ करवा दूंगा। चलिए तो नेक्स्ट चलें। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, कहाँ हुआ उसका, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल लर्निंग की बात करनी है चैप्टर थर्ड में, कन्वेंशनल लर्निंग होगा, नॉन कन्वेंशनल होगा, है ना। फिर प्रोफेशनल चैप्टर फोर में प्रोफेशनल लर्निंग की बात करी गई है, टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करी गई है। फिर आपका चैप्टर फाइव में वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करी गई है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाँ, चूंकि इससे हर बार आपका एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स वाले शिफ्ट के लिए ये चीजें, हर शिफ्ट में आपका इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आपका एक दो लेक्चर्स ऑलरेडी इसमें लगना होगा। और कुछ एडिशनल टॉपिक जैसे डीम्ड टू बी, कुछ यूनिवर्सिटीज के टाइप हो गए, कुछ यूजीसी क्या होता है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड चर्चा भी हम एडिशनल टॉपिक में करेंगे। तो आइए, ये तो हो गया बात आपका हायर एजुकेशन का। चलिए, इस और इतने पढ़ने के बाद आपको हायर एजुकेशन में मिल जाएगी जी सक्सेस, कंप्लीट मिले, है ना। अब आप बताइए मुझे एक चीज, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हायर एजुकेशन को पढ़ने का सेम तरीका है जैसे आप अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हायर एजुकेशन बेसिकली वो तरीका है पढ़ने का कि देखिए, मैं तो आपको फुल पढ़ाऊंगा, जैसे अगर मैं पढ़ाऊंगा वैदिक एजुकेशन तो अभी वैदिक एजुकेशन पूरा ले लूंगा, लेकिन ये आपको कैसे पढ़ना है ये बात ध्यान से समझ लीजिए। हायर एजुकेशन को चटनी की तरह इस्तेमाल करना है। चटनी का इस्तेमाल क्या मतलब, नहीं समझे सर? जब आप खाना खाते हैं ना, तो चटनी तो पूरा दबा के नहीं खाते ना, चटनी को तो टेस्ट के लिए लेते हैं, है ना। लेकिन अगर चटनी लेते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है। तो हायर एजुकेशन को भी वैसा ही यूज करना है, मतलब कि जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से आपको जो बेसिक चीज होंगी, पढ़ा तो रहा हूं मैं सब, लेकिन उसमें जो रटने वाली चीजें होंगी, जो डेटा बेस्ड होगी जिससे सवाल बन सकता है, वो चीज मैं हाईलाइट करते जाऊंगा। उसको आप लिखिएगा, उससे नोट बनाइएगा और उसी को याद करिएगा। अब क्या है कि आपको एक ही बार में सब नहीं पढ़ लेना है। जैसे अगर आज मैं वैदिक पढ़ा दिया, बुद्धिस्ट पढ़ा दिया, जैनिज्म पढ़ा दिया, तो वो एक ही बार में पढ़ने जाएगा ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। दो सब्जेक्ट ऐसे पेपर वन में है जिसमें आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, और फिर एट द एंड ऑफ एग्जाम आपके पास ऐसा आएगा कि आपकी पूरी हायर एजुकेशन आपके माइंड में रहेगी। तो इसीलिए हायर एजुकेशन पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप एक एक करके टॉपिक को कवर करते जाए, धीरे धीरे करें, एक बार में सब पढ़ने की कोशिश ना करें। चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए आप शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनिशियंट इंडिया। तो भैया, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग और एजुकेशन इन हायर क्या बोलते हैं एनिशियंट इंडिया पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो ये इसमें हायर एजुकेशन का सिस्टम जो है इंडिया में, वो अभी क्या चल रहा है। बात समझ में आई जी? तो उसको देखते हैं पहले, आइए थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ,
हाई क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। बेसिकली क्या है हायर एजुकेशन का सिस्टम और कौन है इसका डिपार्टमेंट का हेड, तो हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये बात आपको पता है, वो दो तरीके से काम करती है। एक तो कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम करती है, एक तो 12th तक के लिए और जिसमें स्कूल एजुकेशन का आ जाती है सारी, और दूसरा जो है हायर एजुकेशन है जिसमें आपके बैचलर्स डिग्री, पीजी, यूजी और आपके पीएचडी की बात करी जाती है। वही उसकी थोड़ी सी चर्चा करनी है, फिर हम एनिशिएंट इंडिया में चलेंगे, मूव ऑन करेंगे। बात समझ में आई? जी सर। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। क्या सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है एजुकेशन प्लेज एन सिग्निफिकेंट एंड रिमेडियल रोल इन बैलेंसिंग द सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन का रोल ये क्या रेमेडियल रोल है बैलेंस करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक को। बिल्कुल सही है, कह रहा है सिटीजंस ऑफ इंडिया आर इट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। आवर बिलियन स्ट्रॉन्ग नेशन नीड्स द नर्चर एंड द केयर इन द फॉर्म ऑफ बेसिक एजुकेशन टू अचीव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्यों करना है भाई एजुकेशन, ताकि आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव कर सके, है ना। एंड दिस वॉरेंट्स ऑन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर सिटीजन विच कैन बी अचीव बाय बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एजुकेशन। तो इसको कैसे बिल्ड किया जा सकता है, अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एजुकेशन में बिल्ड करके। इन द परसुएंस इन दिस मिशन, इस मिशन को परसू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज क्रिएटेड ऑन सेप्टेम्बर 26, 1985 थ्रू 174th amendment to the Government of India Allocation of Business Rules 1961, जो करंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वर्क्स थ्रू टू डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली क्या है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, कि ताकि हमारा एजुकेशन अच्छे तरीके से हो, सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बनाया गया कब, 26 सितंबर 1985 को, जिसमें 174th अमेंडमेंट किए गए, ठीक है, रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स 1961 के तहत। और जो करंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें दो तरीके के डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट को कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसमें हमें अभी इसकी चर्चा नहीं करनी है। दूसरा कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हाँ, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, इसके बारे में डिटेल्ड में हमें पढ़ना है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, व्हाइल द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन। तो सर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन किसके लिए, सर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए एंड लिटरेसी इन द कंट्री, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टेक्स केयर ऑफ व्हाट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो भाई साहब हायर एजुकेशन के मामले में यूएस और चाइना के बाद इंडिया का सबसे ज्यादा रोल है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब हमारा हायर एजुकेशन का सिस्टम कौन से नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे। कह रहा है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम विच इंक्लूड्स एजुकेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, जो टेक्निकल एजुकेशन में लार्जेस्ट में है, सबसे ज्यादा यहीं पे है। कह रहा है किसके बाद, जस्ट आफ्टर द यूएस एंड चाइना। द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट्स। तीन तरह के फॉर्मल एजुकेशन होते हैं, क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशन। सो द टर्म हायर एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया डिनोट्स द टर्शियरी लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो जाता है, 10th प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी हो जाता है ना, सॉरी प्राइमरी आपका 6th तक होगा, फिर 10th तक सेकेंडरी, और सीनियर सेकेंडरी हो जाता है आपका 12th तक। 12th तक का एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन तक आता है, उसके बाद की जो एजुकेशन होती है वो टर्शियरी एजुकेशन में आ जाती है, और हमें हायर एजुकेशन में टर्शियरी एजुकेशन की बात करनी है। कह रहा है दैट इज इंपार्टेड आफ्टर द 12th ईयर ऑफ स्कूल, 10 साल स्कूलिंग के बाद। तो 10 ईयर जो प्राइमरी एजुकेशन होता है और 2 ईयर जो होता है सेकेंडरी एजुकेशन होता है। बात समझ में आ गई? जी सर। चलिए कह रहा है सम एग्जांपल्स ऑफ पीएचडी, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एनी स्ट्रीम लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इटीसी। हायर एजुकेशन प्रोवाइड्स पीपल विद द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, मोरल, स्पिरिचुअल इश्यूड फेस बाय ह्यूमैनिटी। तो भाई साहब ये आपके एग्जांपल्स किसके दिए, इतना सारा एग्जांपल किस चीज का दिया गया, सर आपका हायर एजुकेशन का एग्जांपल्स है, जितने सारे कोर्सेस हैं, जितना सारे स्ट्रीम्स हैं, उसकी चर्चा बात की गई है। कह रहा है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द नेशनल डेवलपमेंट थ्रू द डिसएसिमिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज ए क्रूशियल फैक्टर ऑफ सर्वाइवल, बींग द एपेक्स ऑफ द एजुकेशनल पिरामिड। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। It also has a key role in the producing teachers
ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। तो इसका पार्ट क्या है भाई साहब, स्टूडेंट के लिए सोचना का तो पार्ट है ही, लेकिन अगर अच्छे टीचर ना हो तो भी काम नहीं बनेगा, तो इसलिए अच्छे टीचर्स को प्रोड्यूस करना भी इसका काम है। कह रहा है हायर एजुकेशन इज अ की एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ऑल्सो दैट इट टेंड्स टू मेक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज स्पेसिफिकली इन द एज ऑफ 15 to 59 years। देखिए बेसिकली ये क्या है, ये पढ़ने का ही चीज है ना, तो ये रटने वाला चीज है, तो इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता। अभी वैदिक एजुकेशन आएगा तो उसको पढ़ने में मजा आएगा, वेट करिए। क्या देखिए, कह रहा देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स लेवल ऑफ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन लिस्टेड बिलो। देखिए तीन लेवल है इंडिया में हायर एजुकेशन का। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, ठीक है, जहां बैचलर डिग्री मिलती है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है, जहां मास्टर्स की डिग्री मिलती है। और रिसर्च लेवल पे जो है वो जहां पीएचडी की डिग्री मिलती है या पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। तो कह रहा है सम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड डिप्लोमा एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हाँ ये भी बात है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है सीए का भी सीए की डिग्री भी देती है, पीजीडी डीबीए पीजीडीसीए मोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अदर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स बैचलर कॉमर्स है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कराए जाते हैं। मोस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज टेक 3 years एक्सेप्ट द सर्टेन प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जो यूजी के कोर्सेज हैं वो 3 साल के लिए, एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शनल कोर्सेज भी है सच एज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल का होता है, एंड मेडिसिन। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर जनरली 2 ईयर ऑफ एजुकेशन। ये तो बात हमें पता है, बेसिकली जो आप पढ़ लिख के आए ना उसी की बात इसने कर दी। तो ये सारा पार्ट अभी है, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज हमने देख लिया। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन इन एनिशिएट इंडिया के बारे में। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक एज वाज अ जर्नी फ्रॉम द मोर्टैलिटी टू इमोर्टैलिटी फ्रॉम चाओस टू स्पिरिचुअल ब्लिस। ये तो एक टैगलाइन है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए वैदिक एजुकेशन में। देखिए वैदिक एजुकेशन वो एजुकेशन था ना जहां पे वेदों से शिक्षा ली जाती थी, है ना, और वेदों से शिक्षा ली जाती थी तो कैसे ले जाते थी, आइए उसकी चर्चा एक एक लाइन में करेंगे। जो मैं बोलूंगा कि भाई इसको लिख लेना है उसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, सब मत लिखने बैठ जाना, जो बोला जाए जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेना। बात समझ में आई जी सर? चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एनिशियंट एजुकेशन सिस्टम हैज बीन वेरी वाइड इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, एनिशियंट एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा था, है ना। ही हेयर वी इंटेंड टू कवर द बेसिक टीनेंट्स ओनली। द इन एनिशियंट टाइम्स देयर वर टू एजुकेशन सिस्टम सच एज वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। एक्चुअली तीन था, एक जैनिज्म भी बाद में इसी के साथ आया था, ठीक है, तो उसकी बहुत ज्यादा ये नहीं थी इसलिए इसे मेंशन नहीं किया गया। कह रहा था वैदिक सिस्टम, ये देखिए जो गुरु होते थे ना, जो आचार्य होते थे, वो ऐसे शिक्षा देते थे सबको, दिखाया गया ना, ये देखिए ये फिगर है ना जी। तो अब क्या नेक्स्ट, क्या कह रहा है, रेफर्स टू वेदास। किसको वेद कहते थे, वैदिक पीरियड में सब वैदिक सिस्टम रेफर्स करता था वेद को, अलग अलग तरीके के वेद होते थे। द सिक्स वेदांगास, क्षेत्र के वेदांगास थे कौन सा, फोनेटिक्स रिचुअलिस्टिक ग्रामर एग्जिस्ट मैट्रिक्स और एस्ट्रोनॉमी, है ना। इसको हिंदी में बोले तो इसी को तो बोलते हैं ना वो ज्योतिष, क्या, और उपनिषद था। द सिक्स दर्शन थे, अलग अलग तरीके दर्शन फिलोसफी जिसको बोलते हैं वो है, जैसे न्याय फिलोसफी था, वैशिष्का था, संख्या था, योगा था, मीमांसा था, वेदांता था, है ना। तो न्याय के थे गौतम थे, वैशिष्क के कंदरा थे, है ना, संख्या के कपिल थे, योगा पतंजलि ने इजाद किया था। तो ये सारे आगे पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है उसके बाद पुराण थे, है ना, हिस्ट्री तर्कशास्त्र था, लॉजिक। देयर वर सम एलाइड सब्जेक्ट्स आल्सो, कुछ और एलाइड सब्जेक्ट्स थे, जैसे संस्कृत वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वैदिक सिस्टम। हाँ ये बात तो सही है, इसको ये बात ध्यान में रखिएगा, कितने तरीके के कौन से इंस्ट्रक्शन देने का कौन सा तरीका था, संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी कब, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। कह रहा वेदांगा वाज द सिनोनिम ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट टेकन टुगेदर वेयर इट कॉरोबोरेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नॉलेज ऑफ प्रोसोडी एटमोलॉजी ग्रामर ज्योतिषी और द साइंस ऑफ कैलेंडर। तो वेदांगा क्या था, सिनोनिम था, ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट को वेद का। कह रहा फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फोकस ऑन वैदिक एजुकेशन, तो सबसे पहले वैदिक एजुकेशन पे फोकस किया जाता था विद सिम्बलेंस ऑफ सूत्र, सूत्र के थ्रू, ब्राह्मण के थ्रू, है ना, ब्राह्मणिज्म के थ्रू। तो कह रहा नॉलेज वाज पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन एनिशियंट इंडिया। बेसिकली एजुकेशन इन्वॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 3 basic स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। 3 तरीके के प्रोसेस से शिक्षा दी जाती थी। सबसे पहला था श्रवण, इसको बोलते हैं सुनना, है ना, श्रुति, सुनना, मनन, उसको थिंक करना, उसको मनन करना, है ना,
और तीसरा था निध्यासना, इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, श्रवणा सुनना है ना, मनना चिंतन करना, और निध्यासना मतलब उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। तो आइए करते हैं क्या, थ्री प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, तीन तरीके के प्रोसेस क्या क्या है सर, तीन बेसिक स्टेज है। सबसे पहले क्या है, श्रवणा, श्रवण मतलब स्टेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज श्रुतिज बाय लिस्निंग, सुनकर नॉलेज को एक्वायर करना। मनना मतलब मनन करना, बोलते हैं ना मनन करना, हम लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मींस पीपल टू थिंक एनालाइज देमसेल्व्स अबाउट व्हाट दे हर्ड, जो उन्होंने सुना उसको एनालाइज करने का काम मनन में किया जाता था। असिमिलेट द लेसन टॉट बाय देयर टीचर एंड मेक देयर ऑन इन्फरेंसेस, और उस बेस पर अपना अनुमान लगाया जाता था। तो श्रवण मतलब पहले सुनते थे, मनन मतलब उसको चिंतन करते थे, सोचते थे कि वो कैसे बताया, क्या बताया है ना, एनालाइज करना। और निध्यासना का मतलब होता था कि मीनिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ट्रूथ एंड अप्लाई इनटू रियल लाइफ, तो जो उनको ज्ञान दिया जाता था उसको वो रियल लाइफ पे अप्लाई करते थे। आई तो नेक्स्ट चले क्या कह रहा है, कह रहा था मेन गोल ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन है ना, तो मेन गोल ऑफ लाइफ का क्या था, सेल्फ रियलाइजेशन था, डिस्पाइट ऑल पीपल हैव डिफरेंट इंक्लिनेशंस, ठीक है। कह रहा था प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चर कैरेक्टर कल्टीवेशन ऑफ नोबल आइडियल्स वर द मेन एम्स, क्या क्या मेन एम थे जी, याद रखिए कल्चर कैरेक्टर्स कल्टीवेशन नोबल आइडियल्स वर द मेन एम्स। देयर वाज टू बी द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बाय टेकिंग केयर द बोथ द इनर एंड द आउटर सेल्फ, तो बोल रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट दोनों तरह था, इनर सेल्फ भी और आउटर सेल्फ भी। कह रहा है नॉलेज को दो तरीके से डिवाइड किया गया, ये देखिए ध्यान बेसिक चीज है, सबसे बड़ा चीज, नॉलेज वाज डिवाइडेड इनटू द टू ब्रॉड स्ट्रीम, दो तरीके से नॉलेज को डिवाइड किया गया था। एक को बोलते हैं पराविद्या, पराविद्या मतलब हायर नॉलेज या स्पिरिचुअल विजडम, जैसे हायर नॉलेज मतलब जो योग साधना वेदों का ज्ञान है ना, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल विजडम या हायर नॉलेज। और दूसरा था अपराविद्या, अपरा विद्या मतलब द लोअर नॉलेज और द सेक्युलर साइंसेस के जो ज्ञान होते थे। कह रहा है अंडर वैदिक एजुकेशन स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स पद इवन लेटर्स, तो वैदिक एजुकेशन में सही उच्चारण पर ध्यान दिया जाता था, किसका, वर्ड्स का, पद का, ठीक है, लेटर्स का। इंडियन सेजेस डिवोटेड देमसेल्व्स टू द स्टडी ऑफ ए सुप्रा सेंसिबल वर्ल्ड, तो इंडियन सेजेस जो थे वो क्या करते थे, स्टडी ऑफ सुप्रा सेंसिबल वर्ल्ड पे ध्यान देते थे, स्पिरिचुअल पावर्स होता था उनके पास, एंड मोल्डेड देयर लाइफ, और उसी हिसाब से अपने लाइफ को मोल्ड कर लेते थे अकॉर्डिंगली। कह रहा है प्योर ऑरल टीचिंग फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टीचर वॉज रिगार्डेड एज ए प्योरली वैदिक, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये वैदिक एजुकेशन का सबसे बेस्ट चीज है, क्या कि मतलब नोट डाउन करने वाला चीज है, क्या कि जो भी टीचर के लिप से निकलता था, जुबान से निकलता था, वही प्योरली वेद माना जाता था, वही प्योरली ऑरल टीचिंग मानी जाती थी। कह रहा था सेकंड मेथड ऑफ टीचिंग वाज द चिंतन थिंकिंग, और दूसरा जो मेथड था पढ़ाने का वो था थिंक करना, सोचना है ना। पहला क्या था, जो गुरु ने बोल दिया वही चीज, और दूसरा क्या था सर, दूसरा मेथड था चिंतन, चिंतन करना, चिंता और चिंतन में फर्क है ना जी। सो द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन वाज द माइंड इटसेल्फ, तो दिमाग मतलब बुद्धि, माइंड अपने आप में क्या था, प्राइमरी सब्जेक्ट था। कह रहा है द एडमिशन क्राइटेरिया वाज मॉरल फिटनेस एंड अनइम्पीचेबल कंडक्ट, तो एडमिशन क्राइटेरिया सिर्फ था कि भाई आप ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत ना हो। कह रहा था डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचर्य वाज कंपलसरी, ब्रह्मचर्य का जीवन आपको कंपलसरी अपनाना पड़ता था, जब भी आप जाते थे, जैसे आपने रामायण वगैरह देखा होगा, तो राम जी जब छोटे थे तो वो ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाते हुए बड़े होते थे, और बड़े से फिर गुरु का आज्ञा लेके फिर वापस आते थे। कह रहा इट वॉज वन ऑफ द सेक्रेड ड्यूटीज टू पीपल पीपल टू सर्व हिज प्रसेप्टर, ब्रह्म संघ वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू अक्वायर हायर नॉलेज, तो ब्रह्म संघ क्या था, अपॉर्चुनिटी था स्टूडेंट के लिए कि वहां से वो नॉलेज अक्वायर करे। कह रहा था सोसाइटी एंड द स्टेट डिड नॉट इंटरफेयर मच विद द करिकुलम ऑफ स्टडीज इन द रेगुलेटिंग और पेमेंट ऑफ फीस, तो सोसाइटी जो है और स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं किया कि करिकुलम क्या होगा स्टडी का या पेमेंट ऑफ फी क्या होगी, ये सब पे उस समय ध्यान नहीं दिया गया। कह रहा है टिपिकल एनिशंट इंडियन एजुकेशन वॉज फुली एंड कंपल्सरली रेसिडेंशियल, वो क्या होता था, फुली रेसिडेंशियल होता था एनिशंट एजुकेशन का, क्या एनिशियंट इंडियन एजुकेशन द स्टूडेंट हैड टू लीव इन द हाउस ऑफ द टीचर फॉर लर्निंग पर्पसेस, ये बात सही है कि पहले क्या होते थे, पहले बच्चा लोग मतलब जो भी माता पिता हैं बचपन से थोड़ा सा उम्र बढ़ा 5-7 साल 8 साल के बाद
वो टीचर को सौंप देते थे, टीचर के यहाँ जाके रहता था, मतलब गुरु के यहाँ रहते थे, आचार्य गुरु जो बोल लो है ना, वो उनके यहाँ जाके रहते थे और वहीं पे शिक्षा ग्रहण करते थे। द रिलेशनशिप वॉज काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, तो रिलेशनशिप स्पिरिचुअल रहता था। कह रहा है एजुकेशन वॉज फ्री ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब हर टाइम में क्या होता था, एजुकेशन फ्री रहता था। एंड दैट टू अपहेल्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर इवन ही वॉज द हाइएस्ट इंटेलेक्चुअल कोर्स। क्या रहा, स्टूडेंट्स यूज टू लर्न थ्रू सेमिनार्स डिस्कशन एंड डिबेट्स, तो स्टूडेंट जो थे वो सीखते थे कैसे, आपके सेमिनार से, डिस्कशन से और डिबेट से। कह रहा द एडमिशन ऑफ अ स्टूडेंट वॉज मेड बाई द फॉर्मल सेरेमनी उपान्या इनिशिएशन, किसके द्वारा बोल रहा था, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट वॉज फॉर्मल सेरेमनी क्या था, उपान्या। देखिएगा ये फॉर्मल सेरेमनी होती थी उसको उपान्या बोलते थे, इनिशिएशन है ना। द न्यू होम ऑफ गुरु ही हैड अ सेकेंड बर्थ वॉज कॉल्ड द्विजा, द्विजा और ट्वाइस बोर्न। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला जो फॉर्मल सेरेमनी होती थी, जो जाते थे गुरु के पास इनिशिएशन में, उसको बोलते थे उपान्या, और जब नए गुरु के पास जाते थे दूसरा, तो वहां उसका नया जन्म होता था, उसको बोलते थे द्विजा। क्या बोलते थे, द्विजा, ठीक है। कह रहा एजुकेशन वुड स्टार्ट एट द एज ऑफ फाइव ऑफ ए सेरेमनी कॉल्ड विद्या रंभा, तो 5 साल की उम्र में एजुकेशन की शिक्षा स्टार्ट कर दी जाती थी, वेयर इट इंक्लूड्स द लर्निंग द अल्फाबेट एंड वर्शिपिंग गॉडेस सरस्वती। ये बात बहुत सही है कि हमें माँ सरस्वती की ये पूजा करनी होती थी उस वक्त। कह रहा है द उपान्या सेरेमनी वुड स्टार्ट बिटवीन द एज ऑफ 8 to 12, द उपान्या सेरेमनी कब होती थी, 8 से 12 साल की उम्र में। He would now be called ब्रह्मचारिन, इसको क्या बोलते थे, ब्रह्मचारी अपनाना बोलते थे। कह रहा ब्रह्मचारिन आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन इज एलिजिबल टू बिकम अ गृहस्थ और हाउस होल्डर। हाँ, जैसे आप ब्रह्मचारी का एज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ब्रह्मचारी का, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन के लिए एलिजिबल हो जाते थे, ठीक है। गृहस्थ जीवन मतलब हाउस होल्डर, अपना जाइए, शादी ब्याह करिए, खुश रहिए, वो वाला चीज था। उसके बाद है क्या, देयर वॉज ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वुमेन ऑल्सो, तो वुमेन का भी हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या था, हाई था। कह रहा इन हाउस दे माइट लर्न म्यूजिक एंड डांसिंग, तो घर में वो डांस और क्या म्यूजिक सीख सकती थी। दे हैड टू अंडरगो द उपान्या सेरेमनी, ठीक है, उनको उपान्या सेरेमनी जाने का जरूरत नहीं था। देयर वर टू क्लासेस एजुकेटेड वुमेन एज स्टेटेड बिलो, तो वुमेन के भी 2 क्लासेस होते थे जहां पे उनको सीखा जाता था। एक को बोलते हैं सद्योवास, सद्योवास क्या होता है, सद्योवास देयर वर दे आर द पीपल हु प्रोसिक्यूटेड स्टडीज देयर मैरिजेज, ठीक है, तो जो शादी करने के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करते थे उसको सद्योवास कहा गया, और ब्रह्मवादिनीज कहा गया जो शादी नहीं करते थे और अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करते थे। कह रहा दे आर द पीपल हु डिड नॉट मैरी एंड परसूड स्टडीज थ्रू आउट देयर लाइफ, तो ये 2 चीजें थे, सद्योवाद जो शादीशुदा है और एजुकेशन कर रहे हैं, और ब्रह्मवादिनी जो शादीशुदा नहीं है और एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। आइए कह रहा है वुमेन वर आल्सो टोट वेदास एंड वेदांगास, बट द एक्सटेंट ऑफ देयर स्टडी वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली दोज हिम्स व्हिच वर नेसेसरी फॉर द याजना, याजना बोलते हैं सेक्रीफाइस को। देख लीजिए क्या बोला, वुमेन को पढ़ाया जाता था वेद और वेदांगास भी ध्यान दिया, मतलब वेद और वेदांगास की भी शिक्षा दी जाती थी, बट उनकी स्टडी रिस्ट्रिक्टेड थी हिम्स तक, जहां सेक्रीफाइस अदर रिचुअलिस्टिक ऑपरेशंस को करना पड़ता था। कह रहे वुमेन सेज कॉल्ड ऋषिकास, वुमेन सेज को ऋषिकास कहा जाता था। हियर वी कैन नेम द स्कॉलरली वुमेन लाइक मैत्री एंड गर्गी, तो मैत्री और गर्गी इसी एज में वैदिक पीरियड में फेमस थे। नाम पूछा गया है क्वेश्चन कि मैत्री, गर्गी, विसंबरा और अपाला, ये चारों जो है ये किसमें थे, सर ये ब्रह्मवादिनी के एग्जाम्पल हैं जो वैदिक पीरियड में दिया गया था। कह रहा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल लाइफ वर कंबाइंड इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी व्हिच इज समटाइम्स कॉल्ड रिलीजन इन हिंदू थॉट आल्सो, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये सारे का क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी, जो उसको रिलीजन हिंदू थॉट से कहा गया था। कह रहा देयर वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल्स प्रैक्टिस एंड कंडक्ट इनटू अ धर्म, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन किसका था, आइडियल प्रैक्टिस का और कंडक्ट का, इसको धर्म कहा गया। रिलीजन वर्चुअ ड्यूटी हेयर, कह रहा दे आइडेंटिफाइड देयर ड्यूटी विद डिवोशन टू द आइडियल समवन बोनम ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन सोल वाज द मटेरियल वर्ल्ड, ह्यूमन सोल क्या था, वाज द मटेरियल वर्ल्ड। सम टाइम्स द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज द चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोधा विच इज द कंट्रोल ऑफ मेंटल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द कॉन्क्रीट वर्ल्ड, तो ये मेन एजुकेशन का था क्या सर, मेंटल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द कॉन्क्रीट वर्ल्ड, जिसको कहा गया चित्तवृत्ति निरोधा।
कह रहा है द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन कर्मा, कर्मा को ऑक्यूपाइज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस पाया वो, कर्मा वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस पाया वैदिक पीरियड में। द वर्ड वेदा मीन्स द नॉलेज एंड नित्य रूटीन, वेदा को, वेद को नित्य रूटीन में जो काम किया वो कहा गया। इट इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स फाइंडिंग नोइंग और अंडरस्टैंडिंग। तो वेदा कहाँ से आया, संस्कृत वर्ड विद से आया, इसका मतलब होता है फाइंड करना, नो जानना और अंडरस्टैंड करना। एंड द वेदास आर नोन एज श्रुति मीनिंग थ्रू हियरिंग, तो वेदास का नोन का मतलब सुनकर, सुनकर आपको क्या करना, ये बात ध्यान में रखना। चार तरीके के वेद है उसकी चर्चा करी गई है ना। तो बेसिकली आज का जो नॉलेज था वो बहुत बेसिक है ना, तो वो आज इतना ही कर देते हैं। इसके बाद हम चार वेद पढ़ेंगे है ना, उस चार वेद के बारे में और थोड़ी जानकारी लेंगे और उसके बाद फिर नई तरीके से क्लास की शुरुआत करेंगे है ना जी। हाँ जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।